अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली ये वीक मिला जुला रुझान पैदा करेगा साइटेरियंस के लिए, बट ये बात यकीन रख लीजिए साइटेरियंस के अगले हफ्ते से आपकी खुशियों का दौर मजीद बढ़ेगा। इस हफ्ते 2-3 पॉजिटिव चेंजेस हैं, मैं अभी बयान करता हूँ, बट इन चेंजेस में पॉजिटिविटी होने के बावजूद सैजिटेरियंस को अपनी सलाहियतों पर ज़्यादा डिपेंड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त मार्स आपके 12th एंगल पर है एंड खुशी की बात यह है कि वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। 12th एंगल पर आपको नॉन मटेरियल टाइप के एडवांटेजेस मार्स से मिलेंगे, जैसे आपके अंदर जो टेम्पटेशन थी खामखा कि आपने अपने आप को मस्नूई किस्म की चीज़ों में फंसाया हुआ था, नाउ यू हैव रियलिस्टिक अप्रोचेस, हकीकत पसंदाना सोच पैदा होगी जिससे आप अपने और पराए में तमीज़ कर सकेंगे, जिस्मानी कुव्वत बढ़ेगी, स्पिरिचुअल बिलीव्स में इजाफा होगा एंड इसी तरह में खामखा के जो झगड़े, खामखा की जो नाराज़गियाँ, खामखा के जो शक आपकी जहन में प्रोड्यूस होते थे वो रिपेयर होने लगेंगे। सूरज भी आपके 12th एंगल पर है, अगर अकेला सूरज 12th एंगल पर होता तो कमज़ोर हालत थी, बट मार्स एंड सन आपस में फ्रेंडली हैं एंड इसकी वजह से आपको थोड़ी ग्रोथ ही मिलेगी, कमी नहीं आएगी, जो रूटीन परफॉर्मेंसेज हैं वो होती रहेंगी, जो फाइनेंशियल सेटलमेंट्स हैं वो होती रहेंगी, जो करियर है वो स्मूथ बट एवरेजली चलता रहेगा, जो जॉब एक्टिविटीज़ हैं वो स्मूथली चलती रहेंगी बट उसमें थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। इस हफ्ते जो चांद होगा 14 तारीख को वो भी आपके 12th एंगल पर होगा, तो उससे ज़रा ख्वाब सच्चे आएंगे, फीलिंग्स में स्पिरिचुअल टाइप की टेंडेंसी इंक्रीज़ करेगी, तो ये कुछ चेंजेस आपके लिए ऐसी हैं जिनको आपको नोटिस करना चाहिए। बट मरकरी की सूरत में आपको एक फैसिलिटी मिली हुई है फर्स्ट एंगल पर, मरकरी आपके 7th एंड 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, इसके 4 शोबे हैं जो इस वक्त सैजिटेरियन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो जनरल एडवांटेजेस हैं उसमें तो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पब्लिक इमेज है, कॉन्सेंट्रेशन है, बट क्योंकि ये आपके फर्स्ट एंगल पर है तो इट मीन्स ये आप में से बीमारियाँ ख़त्म करेगा, जहनी बीमारियाँ स्पेशली, ये आप में से जो खाम ख्याली थी, जो एम ही सोचे जाना और फिर किसी हल या किसी नतीजे तक ना पहुंचना, वो उसको रिकवर कर देगा, फिर आपकी लर्निंग स्किल्स इंक्रीज कर जाएगी, ये इसके जनरल एडवांटेजेस हैं। बट स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, योर फैमिली लाइफ, योर पार्टनरशिप बिजनेसेस, योर क्रिएटिव आइडियाज एंड योर पब्लिक डीलिंग। अब इन सेक्टर्स में अगर कोई सैजिटेरियस डेली परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें अपनी फैमिली लाइफ के लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है, उन्हें अपने लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेने हैं, उन्हें किसी को प्रपोज करना है, उन्हें अपनी अटैचमेंट शो करनी है, तो दिस इज़ राइट टाइम, वो इस सारी सिचुएशन के बावजूद अपनी इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी शो कर सकते हैं।